हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेन आर्क। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही सरल चैप्टर, और निश्चित ही जिसको नहीं समझ में आता है केवल एक ही क्लास वो ले लेगा तो वो सब कुछ समझ जाएगा। लेकिन हालांकि ये इतना आसान चैप्टर होता है कि सबको समझ में आता है, ये सिलेबस में है इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है। अगर जिसको नहीं आता है वो देख ले, अगर जिसको आता है वो अपना रिवीजन कर ले ताकि और भी बेहतर उसका ये तैयारी हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बेन आर्क। बहुत ही आसान होता है, इसमें दो टाइप आप लोगों को पढ़ना है, इस लेवल पे केवल दो टाइप पढ़ना है, वो भी बहुत ही आसान टाइप है, कोई भी मुश्किल नहीं होगा। बस आप लोग बने रहिए, देखते चलिए, सुनते चलिए, समझते चलिएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और जो लोग नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं बेन आर्क। बेन आर्क क्या होता है? बेसिकली इसमें जो जैसा क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन तो इसमें देखते ही लग जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लगते हैं। अगर जिस क्वेश्चन में जेंडर बेस आ गया, जिस क्वेश्चन में प्रोफेशन बेस क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें निश्चित ही ऑप्शन को एक बार देखना पड़ता है कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है, उसी प्रकार से हम उस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें कई तरह के डायग्राम इसमें बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक डायग्राम ये हो गया, ये कोई गोला हो गया, उसके अंदर एक गोला, ये एक गोला, ठीक है, आदमी नहीं बना है, ठीक, ये डायग्राम होता है। एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसका, एक गोला, फिर गोला के अंदर गोला, फिर इस गोला के अंदर गोला, ये दूसरे तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और भी तरह का स्ट्रक्चर इसमें बनता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक, एक मान लीजिए ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ये भी एक प्रकार का होता है स्ट्रक्चर, कई प्रकार से बनते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा होता है, फिर इसके अंदर ऐसा होता है, फिर ये ऐसा होता है, ये कई प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक, तो ये इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और किस प्रकार का। इसी ऑप्शन, इसको अगर हम ऑप्शन मान लें, ये मान लीजिए एक हो गया, ये मान लीजिए दो हो गया, ये मान लीजिए तीन हो गया, ये मान लीजिए चार हो गया। ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे कि और किस किस प्रकार से होते हैं। ठीक, एक मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, ठीक, इसको पांच नंबर मान लेते हैं। ठीक, ऐसे ही इस प्रकार से चार उठा के दे देगा। अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि लेखन सामग्री और पेंसिल, लेखन सामग्री, पेंसिल और आलू। ठीक है, लेखन सामग्री, आइए देखते हैं, लेखन सामग्री पेंसिल, लेखन सामग्री पेंसिल और आलू, इनमें हमको क्या बताना है, इनमें हमको संबंध बताना है कि इनमें कैसा संबंध बनेगा। ठीक है, लेखन सामग्री पेंसिल आलू, ऐसा ही ये क्वेश्चन दे देता है और ये
ऑप्शन दे देता है, किसी भी चार को उठा के ऑप्शन दे देगा। अब इसमें पूछेगा कि इसमें कैसा स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, इस हिसाब से हमें देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब देखिएगा कि इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। लेखन सामग्री, लेखन सामग्री पेंसिल और आलू। लेखन सामग्री के अंतर्गत पेन भी आता है, पेंसिल भी आता है, ठीक है, पेन आता है, पेंसिल आता है, तो ये लेखन सामग्री के अंतर्गत हो गया। ठीक, जब लेखन सामग्री के अंतर्गत हो गया तो निश्चित ही लेखन सामग्री के अंतर्गत, देख लीजिएगा, लेखन सामग्री के अंतर्गत ये बनेगा। ठीक, अब आलू क्या है, ये तो सब्जी में आता है, ये लिखने में तो आता नहीं है। आलू अलग हो गया, इन दोनों से अलग हो गया, तो इन दोनों से अलग आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार हमारा, ऐसा ही स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, ऑप्शन नंबर चार। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर एक। अब अगर क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं तो देखिए, सांसद सांसद नहीं संसद है ये, ध्यान दीजिएगा, संसद है ये, संसद मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद और क्या, प्रधानमंत्री, प्रधान मंत्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब हमको इसके अकॉर्डिंग हमको डायग्राम देखना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम बनेगा। संसद मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, संसद मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। संसद के अंतर्गत, पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या आता है, ऑल मंत्री आते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद आता है, और मंत्रिपरिषद में भी प्रधानमंत्री भी क्या होता है, एक प्रकार का मंत्री होता है। ठीक है, भले ही वो प्रधान है लेकिन एक प्रकार का वो क्या होता है, मंत्री होता है। तो संसद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद आएगा और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत क्या आएगा, वो प्रधानमंत्री आएगा। ठीक है, तो इसका कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये देखिए, दो वाला ये कैसा स्ट्रक्चर है, संसद के अंतर्गत। अगर हम इसको संसद, बाहरी गोला को क्या माने, संसद माने, तो दूसरा वाला गोला क्या हो जाएगा, संसद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये दूसरे वाले का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, ये भी हो गया, इस टाइप का भी हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं, जो कि टोटली क्या होता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है पुरुष पिता और वकील, पुरुष पिता और वकील, पुरुष पिता और वकील, सॉरी, पुरुष पिता और वकील, पुरुष पिता और वकील के अंतर्गत कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखिए, पुरुष पिता और वकील, पुरुष पिता और वकील। अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसको 6 नंबर मान लीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा पुरुष पिता वकील, एक पुरुष क्या होता है वो पिता भी होता है, वकील भी होता है, डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, यानी पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा और वकील आ जाएगा, पुरुष के अंतर्गत पिता भी आ जाएगा और वकील आ जाएगा।
पुरुष के अंतर्गत अगर माता रहता तो माता अलग हो जाता, लेकिन पुरुष क्या है, पिता हो सकता है, वकील भी क्या है, पुरुष हो सकता है। तो पुरुष के अंतर्गत ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, अभी देखिएगा इसमें ट्विस्ट क्या है। 6 नंबर डायग्राम को देखिए क्या है, अगर बाहरी गोले को हम पुरुष मान लें तो पुरुष के अंतर्गत पिता आ गया, ये पुरुष है, पुरुष के अंतर्गत ये वाला गोला पिता हो गया और ये वाला गोला क्या हो गया, वकील हो गया। कुछ पिता क्या होते हैं, कुछ पिता वकील भी तो हो सकते हैं, तो कुछ पिता क्या होते हैं, वकील हो सकते हैं, तो इसीलिए ये दोनों को मिला दिया गया है। ये टोटली क्या होता है ऐसा क्वेश्चन, केवल और केवल ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये भी एक डायग्राम बन जाएगा। अब दूसरा डायग्राम इसका देखिए कि कैसा बनेगा, पुरुष पिता और वकील का, पुरुष पिता और वकील का डायग्राम नंबर 5 देखिए कि 5 वाला क्या कह रहा है। अगर हम बाहरी गोले को, इस गोले को अगर हम क्या माने, इस गोले को अगर हम पुरुष मान लेते हैं तो ये वाला गोला क्या हो गया, पिता का हो गया। पुरुष के अंतर्गत पिता आ गया और कुछ वकील क्या होते हैं, कुछ वकील महिला भी तो होती हैं, एडवोकेट को, वकील को, महिला भी, वकील को महिला ही, केवल वकील ही कहा जाता है। तो ये तो हो गया महिला वाला भाग, लेकिन जो पुरुष वाला है वो तो पुरुष के अंतर्गत आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो गया, पुरुष हो गया और ये क्या हो गया, पिता हो गया। कुछ वकील क्या होते हैं, पिता भी होते हैं और कुछ वकील पुरुष भी होते हैं। तो ये भी डायग्राम क्या होता है, सही होता है। तो 5 नंबर और 6 नंबर ये 2 प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा। तो यहां से इसको देख लीजिएगा, हमने कहा ना ये टोटली क्या होता है, केवल और केवल डायग्राम पे निश्चित होता है, ऑप्शन पे निश्चित होता है कि कैसा इसका ऑप्शन दिया गया है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बस देखने की, सोचने की, समझने की जरूरत होती है कि कैसे हम इसमें क्या करें कि ये सही हो जाए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी डायग्रामों का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इसका टाइप नंबर 2 देखते हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं कि कैसे इसमें दूसरा प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। आइए समझते हैं दूसरा प्रकार इसका कैसे होता है। एक प्रकार तो हम लोगों ने देख लिया, बहुत ही आसान होता है, और दूसरा प्रकार भी इसका आसान ही होता है, बस क्या होता है उसको समझने की जरूरत है, लेकिन हाँ एक बात और है, उसको बारीकी से देखना पड़ता है, बहुत ही बारीकी से उसको देखना पड़ता है, ठीक है। उसको भी समझना पड़ता है लेकिन देखना उसमें जरूरी है कैसे हम उसको देखेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रकार क्वेश्चन। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज बराबर क्या दिया हुआ है, त्रिभुज बराबर अध्यापक दिया हुआ है, त्रिभुज बराबर अध्यापक दिया हुआ है, त्रिभुज बराबर क्या दिया हुआ है, अध्यापक। और वहीं पे आयत बराबर क्या दिया हुआ है, व्यापारी दिया हुआ है, व्यापारी दिया हुआ, ठीक। आयत बराबर व्यापारी, और ये गोला बराबर क्या दिया हुआ है, समाज, समाज सेवी, समाज सेवी दिया हुआ, ठीक है, समाज सेवी दिया हुआ है। ये तो हो गया कि डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ऐसा ऐसा डायग्राम बना रहेगा, तो ये दिया गया है, ठीक है। अब डायग्राम इसका देखिए कैसा बना हुआ है, ध्यान से देखने की जरूरत होती है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बस क्या होता है, ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, ठीक। देखिए आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, हमने त्रिभुज वहां पे दूसरे तरह का बनाया है, लेकिन यहां पे देखिएगा समकोण त्रिभुज बनाया है, ठीक है, त्रिभुज हो गया। अब गोला देखते हैं, ठीक है, ये हो गया गोला। अब इसमें अंक भरते हैं, अब इसमें अंक भरते हैं, ये ध्यान से देखना होता है अंक, ठीक,
अंक इसमें ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान से इसमें देखिए अंक को, बाकी इसमें कुछ नहीं करना रहता है। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी हों, कौन सी संख्या, ये क्वेश्चन है, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी हैं, जो क्या है, समाज सेवी हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सी संख्या, संख्या लिखा हुआ है, तो कौन सी संख्या उन अध्यापकों को, ये उन है, ये अध्यापकों, अध्यापक का लाइन देखिए कौन सा है, त्रिभुज है, उन अध्यापकों को, अब हमको केवल इसमें त्रिभुज देखना है, त्रिभुज उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी हैं, और जो अध्यापक और समाज सेवी यानी त्रिभुज और गोला का जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब त्रिभुज और गोला का कॉमन देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज और गोला का कॉमन, आइए समझते हैं, ये क्या एक है, ये एक है, तो एक क्या है, एक केवल त्रिभुज में है, दो क्या है, दो गोला के अंदर भी है, त्रिभुज के भी अंदर है, ठीक है, तो दो को हम लिख लेते हैं, दो हमारा क्या हो गया, ये हो गया। बाकी और भी संख्या को देखते हैं, सात क्या है, सात क्या है, गोले के अंदर है लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं है, ये नहीं होगा। तीन क्या है, त्रिभुज के अंदर है, गोले के अंदर है, लेकिन ये क्या है, आयत के भी अंदर है, तो तीन भी हमारा खत्म हो जाएगा, ये तो वैसे ही गोले के बाहर है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं दिया है, आयत का इसमें कोई भी डाटा नहीं दिया है, तो जो आयत के अंतर्गत आएगा तो वो तो वैसे ही खत्म, यानी तीन चार पांच छह और आठ, ये तो इतना क्या हो गया, वैसे ही खत्म, ये आंसर होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आयत की कहीं बात ही नहीं की जा रही है, व्यापारी की कहीं बात ही नहीं की जा रही है, तो ये तो खत्म हो गया, बचा एक दो सात, तो एक क्या है, त्रिभुज के अंदर है, गोले के अंदर नहीं है, तो एक भी खत्म हो गया। सात क्या है, त्रिभुज के अंदर नहीं है लेकिन गोले के अंदर है, तो हमें दोनों के अंदर चाहिए, तो इसलिए सात भी खत्म हो गया, बचा हमारा दो, दो ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार है, आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बहुत ही आसानी से वो भी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस प्रकार से देखते हैं, तो ये बिन आरेख का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो भी क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, ये दोनों प्रकार, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक। आइए समझते हैं दूसरा, अब इसका दूसरा देखिएगा, आयत क्या है, पुरुष को दर्शाता है, आयत किसको दर्शाता है, पुरुष को दर्शाता है, और गोला वृत्त किसको दर्शाता है, अभिनेता को दर्शाता है, और वहीं पे त्रिभुज किसको दर्शाता है, गायक को दर्शाता है। अब इसका चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, ये हो गया और ये त्रिभुज हो गया और ये गोला हो गया, ठीक है, ये गोला हो गया। अब इसमें अंक भरते हैं,
यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 3। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसमें क्या है, ये 5 है। ध्यान से देखिएगा, ये 5 है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा लेकिन फिर भी देखिएगा, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो ये 5 है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये इसमें 11 है, ठीक है। अब क्या बच गया, अब यहां का बच गया, इसमें क्या है, 7 है, ठीक। और एक यहां है, एक इसमें भी है 8, एक इसमें भी है 8। अब ध्यान से देखिए, ये 5 है, हमने नीचे लिख दिया, ये वाला जो ये गोला और आयत के अंदर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन इस पे क्या है, क्वेश्चन इस पे कह रहा है कि किस संख्या वाला संघ पुरुष गायकों को दर्शाता है, किस संख्या, किस संख्या वाला संघ पुरुष गायकों को दर्शाता है। अब ध्यान से देखिए, जिसकी बात कही जा रही है उसी को हम लेके चलेंगे। किस संख्या वाला संघ, ये सब संख्या लिखा हुआ है, किस संख्या वाला संघ पुरुष गायकों को दर्शाता है, पुरुष गायकों को दर्शाता है, पुरुष गायकों को दर्शाता है। गोले के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत जो भी कुछ है उसको हटा दीजिए, वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब क्या क्या हमको हटा देना है, अब ध्यान से देखिएगा, क्या क्या हमको हटा देना है, 8, 10, ये 8, 6, 5, 10, 8, 8, 6, 5, इसको क्या करना है, हटा देना। अब हमारा बचा क्या, 11, 3, 11, 3 और 7, 11, 3 और 7, 11, 3 और 7, ये हमारा बचा। 7 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये अकेला है, कॉमन तो है ही नहीं। अब बचा हमारा 11, 3, 11 हो ही नहीं सकता है क्योंकि त्रिभुज के अंतर्गत हो है ही नहीं। तो 3 क्या है, ये आयत के अंतर्गत भी है और 3 त्रिभुज के भी अंदर है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आई होप ये पूरा दोनों प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को यह सब कुछ समझ में आया है, बहुत ही आसान चैप्टर होता है, अगर आप लोगों को यह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी लोग नए हैं, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही पूरा कोर्स इनका कराया जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे, पूरा कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है। तो बस इसीलिए बने रहिएगा, देखते चलिएगा, तैयारी आपकी एक नंबर होगी, आप लोग बस ध्यान लगा के देखते चलिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग नए हैं, बाकी हम लोग ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक। धन्यवाद साथियों।